हमारा पागल कुत्ता दूध पीने के लिए बहुत इंतजार करता है। आप उसको ये बकरी का दूध पिलाएंगे आप? ये देखो हो गया फूल। ऐसे निकालती हूँ। अरे नीट जरा संभाल के, उसका पेट भरना चाहिए। जाना पीछे उसके, इधर आ, जा उधर। उसको ये दूध डाला ना, फिर हाँ उसको रोटी नहीं डालनी पड़ती, हाँ ऐसा होता है। इसके बाद उसे पानी भी नहीं पिलाना पड़ता। हाँ उसको नहीं रखने का, वो बहुत दूध पीता है। चला हाय, अंदर कढ़ाई भर कर रखी है, उसको काय को देने का, उसको नहीं देने का, वो बहुत दूध पीता है। उसको रोटी नहीं डालनी पड़ती। उसका भी निकालना है, काढ़ायची ना आता। प्यायला पितो पण ती कच्ची दूध लय दिसायची नाही ना झालं अजून, अजून 2-3 दिवस नाही काढायचं। मग उस निबार झाले ना नाश करून घरा तिथून ती नाही खावा। खराब आहे ना, हा खराब खराब दूध होत आहे ना त्याच्यामुळे। दूध लय कच्चं दूध देते कच्चं नाही, एक महिना टाइम होता त्याला, एक महिना पण ते कच दूध उतरलं खरा खरा चिक उतरला यायच्या आधी, त्याच्यामुळे ते खराब झालं। हा पिऊ नाही वाटत ती खराब कस झालं, ती पाणीच पित नव्हती, पाण्याला चोखपणा होता तिचा। तिच्या बच्चा डाल दिया उसने, त्याच्यामुळे पिल्लं। हा पळडी खाली 3 पळडी, एक 3 दिवसांनी पळडं, काल परा दिवशी पळड एक किदर कुठ इथच घरी 3। हा बारीक बारीक ते दुसरं दुसरं बी टाकून दे। होय रे ए कसा रे काय लावलंय रे? भेंडी। हा भेंडी लावली काय? भेंडी ऐसा ही एक बार धोना चाहिए। अजून ना दूध होऊन द्या, पाणी आले का पगा, पाणी जातो वायाला, पग बर पाणी। इधर सरकारी पाणी आया है की नाही देखते अब। ओ बकरी ने 3 बच्चे दिए थे, अब उसको 3 बच्चे गिर गए क्योंकि वो रोज पानी नहीं पीती थी, इसीलिए दर्द पानी आ जाता है इस पाइपलाइन से। सरकारी पानी आया ना तो इधर से मोटर लगाते हैं, इधर से ऐसे पाइपलाइन गाड़ कर लाई गई है और इधर से ऐसे पानी आता है सरकारी। सब सबके घर ऐसे पाइपलाइन, जिसको पानी की जरूरत है ना वो सरकारी पानी लाते है। नहीं इसका ही दूध निकाला था, अब इसको पिलाया, रोटी नहीं मानती। इसको धोना है अब, धोआ ना वो एक बार धुआई अजून, घाण पडतील राहू अजून तरी, घाण पडतील जारच पाय दिसला नाही, रानात पडतो काय काय
काल चरलीच नाही ती, चरलीच नाही. तिला गहू ठेवायचं. गहू आहे ना रोज खाती ना. गेहू रख नाही का, उससे वो ताकत आएगी उसके अंदर. उसको बेच डालने का. ऐसा थोड़ा थोड़ा गंदा गंदा निकलता है. इसने भी दो बच्चे दी थी, एक मर गया और एक ही ये इधर झाड़ को बांधा है उसको. मेल है ये, मेल बहुत अच्छा है. बकरा ग्राम लगाया है, उसको छाव नहीं मिलती. पर इस बड़ा होगा कलम करने का ही उसको. और ये नारियल है, अलग नस्ल का है, नस्ल का नाम नहीं पता. और इधर पपीता लाया है. ऐसा है सब कुछ. और ये सीताफल का पेड़ है. इधर भी ये काम लगा है. और ये करेला का था, एल करेला का. करेला आया था दो बार. और ये उम्बर बोलते हमारी इधर, उम्बर का पेड़ बहुत. इसके नीचे दत्त का वास रहता है, इसीलिए लगा. हमारे इधर अपने आप आ जाता है ये पेड़, इसलिए इसका होता है वास. इसको रोज पानी डालती माँ, रोज पेड़ पड़ते उसके. देखो भाई बिल्लो को भी पेड़ पड़ाने लाता है रोज. देखो रोज मैं दूध डालता हूँ ना, तो अच्छा शेप आ गया. नहीं तो बीच में उसने बच्चे दी थी ना हमारी मोती ने, तो उसको बहुत मार तेरा मार मोती बहुत नफरत करती है बिल्ले से, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता बिल्ला हाथ में लिया. उसको लगता है मुझे हाथ में लेने चाहिए. बहुत प्यार, वैसे तो कुत्ते का हम ऐसा प्यार नहीं करते, उसको खाने पीने को देते जितना चाहिए उसका. खाने पीने को उसको रोज दूध डालता हूँ मैं. तो अब बकरिया धूप में बैठी है सुबह सुबह. सुबह सुबह बकरियां बैठती है. तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में. लाइक सब्सक्राइब कीजिए, नए होंगे तो बाय.